दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक, और ठीक उसका बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देखना तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको हम 50 वोल्ट ट्रांसफार्मर का डेटा बताएंगे जो कि 30 एम्पियर में होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रांसफार्मर की 30 एम्पियर ट्रांसफार्मर का डेटा निकालेंगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं सबसे प्राइमरी की तरफ, प्राइमरी तक पहले चलते हैं। तो प्राइमरी में दो लूप रहेंगे जो कि ये रहेगा 230 वोल्ट के लिए, ठीक है। 230 वोल्ट के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो वायर लेंगे वो रहेगा आपका 17SWG, और दोस्तों फिर टर्न्स रहेंगे वो टर्न्स रहेगा आपका 216 टर्न रहेंगे प्राइमरी में। और दोस्तों हम लोग चलते सेकेंडरी में, सेकेंडरी में बाइफिलर वाइंडिंग करेंगे। बाइफिलर वाइंडिंग मतलब कि आप दो तार एक साथ में लिपटेंगे, दो तार देखिए इस तरह आपका एक साथ में रहेगा, दो तार लिपट देंगे। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे एंडिंग होगी, इसकी भी एंडिंग यहाँ पे हो जाएगी। इस हिसाब से हम लोग लिपटेंगे, ये बाइफिलर वाइंडिंग कहते हैं इसको। और यहाँ पे जो है इसकी एक साथ में हम लोग इसको जोड़ देंगे, ये क्रॉस कनेक्शन हो जाता है ट्रांसफार्मर के। इसकी स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग लेंगे तो ये क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 0 वोल्ट के लिए यहाँ पे 0 टर्न्स रहेंगे, आपको भी मालूम है। यहाँ पे आपका 0 वोल्ट के लिए 0 टर्न्स रहेंगे, यहाँ पे भी 0 वोल्ट के लिए 0 टर्न्स रहेंगे। और दोस्तों इसकी एंडिंग में जो है ये आपका 50 वोल्ट के लिए है, तो 50 वोल्ट के लिए हिसाब से हम लोग निकालेंगे इसकी टर्न। तो 50 वोल्ट के लिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 48 टर्न आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी आपका 48 टर्न आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इसकी स्टार्टिंग और इसकी एक एंडिंग देखिए, ये ट्रांसफार्मर का निकल गया और इसकी जो स्टार्टिंग यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे एंडिंग आ गया, इसको हम लोग ले लें एक साथ में जोड़ दिए। तो ये दोस्तों ये हो जाएगा आपका 50 वोल्ट 0 50 वोल्ट, इस हिसाब से निकालेंगे तो इसकी वोल्टेज आपको एक्यूरेट मिलेगी। और दोस्तों अगर आप काम कर सकते हैं सिंगल, आप सिंगल वायर से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप ले लेंगे 0 वोल्ट, उसके बाद आपका 50 वोल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका 100 वोल्ट आ जाएगा, इस हिसाब से भी ले सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 48 टर्न आ जाएगा, यहाँ भी 48 टर्न आ जाएगा। दोस्तों ये 30 एम्पियर के लिए है, यहाँ पे अगर आप 50 0 50 लेंगे तो ये आपका 30 एम्पियर आएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ले रहे हैं 0 वोल्ट 100 वोल्ट के हिसाब से आपको आउटपुट लेना है तो उसमें आपका 15 एम्पियर आ जाएगा लोड, 15 एम्पियर आप लोड दे सकते हैं। और दोस्तों हम लोग चलते हैं इसमें कोर की तरफ। तो कोर इसमें दोस्तों रहेगा, कोर नंबर रहेगा इसमें 7, और इसकी जो स्टेक यानी कि इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगा आपका 4 इंच में इसका स्टेक रहेगा, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो बीच की जो पोर्शन होती है कोर है। दोस्तों आप देख रहे हैं इसकी जो ये बीच की जो चौड़ाई है इसकी हम लोग बोलते हैं स्टेक। दोस्तों ये स्टेक रहेगी, स्टेक 4 इंच रहेगा, और कोर जो रहेगा वो 7 नंबर का रहेगा। और दोस्तों प्राइमरी में से वायर जो लगेंगे वो अप्रोक्सीमेटली आपका लगेगा 1400 ग्राम वायर, यानी कि 1 किलो 400 ग्राम आपका वायर लग जाएगा। और सेकेंडरी में आपका लग जाएगा 1 किलो 350 ग्राम, यानी कि 1350 ग्राम आपका वायर लग जाएंगे आपका सेकेंडरी की तरफ। आपका वायर इसमें लगेगा, आपका वायर रहेगा इसमें SWG, यहाँ पर रहेगा 14SWG सेकेंडरी में, प्राइमरी में रहेगा 17SWG, ठीक है। ये रहा आपका 50 0 50 वोल्ट का 30 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर का डेटा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।